जेसीबी का अगर डीजल फ्यूल पंप से डीजल लीकेज हो रहा है तो उसे बंद कैसे करें, इस वीडियो में आज आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक क्लिक करने से आपको कुछ मिल जाएगा पर हमारा बहुत कुछ हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो हमने कवर को निकाल लिया बाहर, कवर तो देखने में सही लग रहा है। ये बुशिंग जो है, ये पीतल का जो बुश है, इसी से डीजल लीकेज हो रहा है, तो इस बुशिंग को बदली करेंगे और साथ में इसका लीवर का जो ओरिंग है उसे भी बदली करेंगे। अभी लीवर तो सही है, लीवर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लीवर चल जाएगा। तो पंप खोलने की ज़रूरत नहीं है गाड़ी से, बिना खोले ये आप गाड़ी में लगा हुआ है तो भी लीकेज बंद हो सकता है। ये वाला ओरिंग बदली करेंगे साथ में बुशिंग के साथ, और बुश निकालने का तरीका दिखाते हैं आपको हम। ये ऐसे ऊपर से, ये हमारे पास एक पुलर है, तो पुलर कह लीजिए, इसको ऊपर में बिठा के ऊपर से पुश करेंगे, फिट करेंगे तो नीचे से निकल आएगा। ये देखिए आप, बुश है ये, और ये नया वाला बुश है, इसे हम नया लगाएंगे इस कवर में। ये नया वाला बुश है और ये आप देख सकते हैं, ये पुराना वाला बुश इस साइड से कट गया है। ये बुश दो टाइप का रहता है, एक लंबा रहता है एक छोटा रहता है, तो इसमें छोटा वाला निकला है तो छोटा ही लगाएंगे। इस तरह से पुलर को बिठा के ऊपर से हिट करेंगे हथौड़े से, तो बुश कवर पे बैठ जाएगा। इसका ओरिंग भी बदली करेंगे, ये नया वाला ओरिंग है, इसे लगाएंगे। तो अभी हमने बुश को कवर में लगा लिया, अभी पंप में कवर को लगा रहे हैं। तो बिठाने का तरीका ये है, नीचे से लीवर को बुश के अंदर धकेलना है, कवर के अंदर, तो लग जाएगा। और बिल्कुल इसी तरह से साइड से देख लेना है कि सही से बैठा है कि नहीं, और आगे वीडियो में देखते रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये आप देख सकते हैं, नीचे से लीवर को ऐसे ही डाल दें और डाल के ऊपर में इस तरह से पुश कर देंगे, तो लीवर बैठ जाएगा अपनी जगह पर। फिर बिठाने का टाइम है कवर को, तो कवर को बिठाने के लिए पहले हम पंप का सामने से लेके आएंगे स्विच के इधर, तो यहाँ से सामने की तरफ इधर से धक्का लगाएंगे तो वो बैठ जाएगा कवर। फिर चारों बोल्ट को लगा लेंगे अच्छे से, फुल टाइट कर लेंगे। Thank you.
अभी हमारा काम कंप्लीट हो गया है। अभी मशीन को स्टार्ट करते और चेक करते डीजल लीकेज हो रहा है कि नहीं। स्टार्ट करो।